उत्तर प्रदेश की सियासत में ज्योतिष वाली जंग की शुरुआत हो गई है। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की एसपी पर भविष्यवाणी वाले बयान पर शिवपाल यादव ने उनकी चुटकी ले ली है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 2047 तक एसपी के भाग्य में सत्ता का सुख नहीं है। इस बात पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू की करारी हार याद दिला दी। उधर अखिलेश यादव ने नंद गोपाल नंदी के दलित के घर भोज को झूठा कहा था और खुद दलित परिवार ने सामने आकर अखिलेश यादव के आरोपों का सच सबके सामने ला दिया। अभी 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी का या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का भविष्य नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के एसपी पर तंज को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से तीखा पलटवार सामने आया है। यूपी की राजनीति में ज्योतिष शास्त्र की एंट्री हुई तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। शिवपाल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर ट्वीट के जरिए तीखा तंज कसा। उन्होंने लिखा, डिप्टी सीएम शायद उस ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं जिस विद्वान ज्योतिष ने सिराथू विधानसभा सीट से उनकी प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की थी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि शिवपाल यादव ने इतने तीखे लहजे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा, जरा वो भी सुनिए। तो हर बार मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन अभी 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी का या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का भविष्य नहीं है, मुझे कई ज्योतिषियों ने बताया ये, इसलिए उनके लिए कोई अच्छा अवसर नहीं है, वो थोड़ा विपक्ष की भूमिका पहले निभाना सीख ले। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के एक दलित कार्यकर्ता के घर जाकर भोजन करने को सियासी भोज करार दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपाई मंत्री वोट की खोज में, दलित के घर दिखावटी भोज में। साथ ही उन्होंने लिखा कि दलित के घर बाहर से मंगवाई गई सब्जी और घी सच्चाई को दिखाता है। वहीं अखिलेश यादव के स्तंस को लेकर खुद दलित परिवार की तरफ से बयान आया। मिर्जापुर के इस परिवार से न्यूज 18 ने जब बात की तब उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम अखिलेश यादव को भी भोजन कराने के लिए तैयार हैं। वो आए तो सही, ऐसे में एक नेता का झूठ बोलना सही नहीं है। उसको भी मैं जो मेरे घर पर रहेगा वही खिलाऊंगा। हाँ। खाना जो मेरे घर में रहेगा वो आ जाएगा, उसको मैं बना के खिलाऊंगा। हाँ। उसको मैं खुश करूंगा कि साहब मैं साहब जी मेरे घर पर जो हो वही मैं खिला के हमको खुश करूंगा। तो मतलब आप जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाहर से मंगाया गया था? नहीं, बाहर से नहीं मंगाया था, ये सब झूठ है। वो भी आएगा एक दो पैकेट लेके आएगा खाना, कोई लेके आएगा अपने घर से। कोई मेहमान आता तो अपने घर से लेके आता है खाना खाने के लिए। कि कोई मेहमान आता उसको घर पर बनता है तब खा के जाता है, ऐसा थोड़ा होता है। वो लोग मेरे मेहमान जैसा आया था तो उसको घर से खाना लेके आएगा कोई, ऐसा नहीं होता है। झूठ बोलने वाला का कभी माफ नहीं होगा। अखिलेश यादव ने नंदी के दलित घर भोजन की तस्वीरों को झूठा बताकर सियासी माइलेज की कोशिश की, लेकिन भोजन कराने वाले परिवार ने सब कुछ कैमरे के सामने बोलकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसे में 24 की चुनावी जंग से पहले तेज होती सियासत साफ कर देती है कि आने वाला रण बेहद दिलचस्प और तीखे पहाड़ से भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।